एमपी में बारिश का दौर फिलहाल अभी भी जारी है। एमपी में इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिख रही है, इसलिए अक्टूबर के मध्य तक आते आते भी एमपी के कई जिलों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 50 से ज्यादा जिलों में मानसून के विदा होने की घोषणा भी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के कई जिलों में पानी लगातार बरस रहा है। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं एक बार फिर आ गए हैं आप तक मौसम का हाल लेकर। प्रदेश के कई जिलों में आज भी बरसात देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी में बारिश के दो सिस्टम इस समय एक्टिव हो गए हैं, इसके कारण लगातार एमपी के कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिल रही है। रविवार के दिन कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके बाद सोमवार सुबह भी कई जिलों में बादल बरसे हैं। डिंडोरी, उमरिया, मंदसौर, नीमच, छिंदवाड़ा, कटनी, नर्मदापुरम और शाजापुर जिलों में सोमवार को बारिश गिरने की खबर आई है। वहीं मौसम विभाग ने भी प्रदेश के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए भी करीब 7 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भोपाल, रायसेन, विदिशा, बैतूल, छिंदवाड़ा, कटनी, उमरिया में तेज बारिश गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मालवांचल और महाकौशल के ज्यादातर जिलों के लिए गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इन सभी जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया अब डिप्रेशन में बदल गया है और वहीं से ट्रफ लाइन भी गुजर रही है। इसी वजह से बारिश हो रही है और इसके चलते अगले 24 घंटे में प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने के आसार है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि इस वजह से दक्षिण पश्चिमी हवाएं नमी ला रही है और इसी वजह से बारिश भी हो रही है। प्रदेश में बारिश की बात करें तो आपको बता दें कि एमपी में इस साल एवरेज 44.1 इंच बारिश हुई है। बारिश के मामले में जबलपुर संभाग सबसे ज्यादा आगे रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी दिनों में प्रदेश में ठंड की दस्तक हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 20 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में ठंडक बढ़ने का अनुमान है, जिससे रात के पारे में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि फिलहाल तो मौसम विभाग ने आगे आने वाले 2 दिनों तक बारिश का ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।